छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक्सप्रेस और लोकल मिलाकर लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री ट्रेन को रेलवे मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए NSUI द्वारा प्रदेश भर में केंद्र और रेल मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रेल मंत्रालय के द्वारा ट्रेन रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह और परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए रेल मार्ग प्रथम विकल्प होता है, लेकिन रेल मंत्रालय के यात्री गाड़ी रद्द किए जाने से सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रेल मंत्री से चर्चा कर रद्द की गई ट्रेनों को बहाल करने कहा है। कुछ ट्रेनों की परिचालन फिर से शुरू भी कर दी गई है, बावजूद इसके अभी भी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द है। इसलिए शनिवार को NSUI द्वारा प्रदेश भर के रेलवे स्टेशनों में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इसका खासा असर भिलाई में भी देखने को मिला, जहां NSUI संगठन से जुड़े युवकों ने सेक्टर 7 स्थित भिलाई नगर रेलवे स्टेशन का घेराव कर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा दुर्ग पुलिस और रेलवे बल ने NSUI के प्रदर्शनकारियों को मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। फिर भी इस दौरान NSUI ने केंद्र और रेल मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रभाव पूरा दिखेगा सर आगे, अगर आगे रेल मंत्रालय पूरे ट्रेनों को 40 ट्रेनें जो बंद की गई हैं उसको चालू नहीं करती है तो NSUI पूरी छत्तीसगढ़ NSUI पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी और BJP के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो जिसने हमारे CM साहब के बोलने पर भी ट्रेनों को चालू नहीं किया है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी और लगातार प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये ट्रेनें चालू नहीं हो जाती। समस्या की बात करें तो कैसी समस्या लोगों को यहाँ के छत्तीसगढ़ के वासियों को? छत्तीसगढ़ की समस्या मतलब कि जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, अभी पेपर का वक्त है और मतलब कि शादियां हैं, सबको इधर से उधर आना जाना पड़ रहा है, तो बहुत समस्या है। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है ट्रेनें बंद होने से। क्या मानते हैं ऐसा क्यों यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा कर रहा है? मतलब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार उन्होंने क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये ट्रेनें चालू नहीं होंगी तो आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन। जी देखिए, ऐसा है कि जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को कटौती की जा रही है, अभी कुल मिला के 40 ट्रेनें लगभग बंद की जा चुकी है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ NSUI हर जिलों में हर स्टेशन जाकर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज दुर्ग जिला NSUI के साथियों द्वारा आज यहां आकर कार्यक्रम किया गया और रेल मंत्रालय के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि अब शीघ्र जो बंद ट्रेन है उसको शुरू कराया जाए, अन्यथा NSUI उग्र आंदोलन करेगी और यहाँ से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोकेगी और उसमें रोड़ा उत्पन्न करेगी। बहरहाल देखना होगा कि NSUI के इस रेल रोको प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिलता है और रेलवे प्रशासन इस प्रदर्शन को कितना गंभीरता से लेता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर के साथ गौरव तिवारी की रिपोर्ट।